हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप वहां से जाकर के पीडीएफ और क्विज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी का बैच है, ग्रामीण परिवेश और लेखपाल, ये तीन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है और इसको आप ले सकते हो। और आरआरबी एनटीपीसी, जो लोग सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए तो ये बहुत ही खास बैच है, समझ लो कि जिंदगी बनाने वाला बैच है। आप जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कल के दिन के क्वेश्चंस की, जो हमने पढ़ा था उसका करते हैं क्विकली रिविजन। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राजकीय सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी देने की घोषणा करी हुई है, जिससे पोषण को पूरा किया जा सके, ठीक है, कुपोषण से बचा जा सके। मैक्स वर्स्टैपेन ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मस्कट रखा गया है धाकड़। ये कहाँ पर होने वाला है? ये होगा दोस्तों हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में ये होगा अगले महीने से, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, ध्यान रखिएगा 2021 संस्करण है और हो रहा है 2022 में। अभी हाल ही में 845वें एयर स्क्वाड्रन ने भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल होने का अपना सौभाग्य प्राप्त किया। भारतीय तटरक्षक बेड़े में ये कमीशन किया गया है। इसके अलावा गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को ब्रिटिश एम्पायर MBE से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका में अभी हाल ही में श्रीलंका के जो PM हैं वो आर्थिक संकट के चलते इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से। वहाँ पर इमरजेंसी फिर से लगा दी गई है और क्रिटिकल हो चुकी है सिचुएशन बहुत ज़्यादा। डी गुकेश ने सनवे फनमोरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। डी गुकेश वही हैं जिनके नाम दोस्तों भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड अभी भी है। दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू किया हुआ है, और सीवर कनेक्शन से मैंने आपको याद करवाया था कि आगरा बन गया है भारत का पहला ऐसा शहर जहां पर वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम है। नंद मूलचंदानी भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं, CIA के पहले CTO बन गए हैं। CIA जो है अमेरिकी खुफिया एजेंसी का नाम है, तो इसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं और ये भारतीय मूल के हैं। अभी हाल ही में दोस्तों महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है। इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर विभूषण कर लीजिए, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। ये तो कल के क्वेश्चंस थे जिनका क्विकली रिवीजन किया आपने। कल मैंने आपसे दो क्वेश्चन और पूछ रखे थे जिनका आपको जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। HPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। दोनों क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने आंसर किया था और बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं किया था। आप लोग देखो वीडियो देखते हो आंसर नहीं करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डिटेल्स आता हो तभी करो। अगर आपको डिटेल्स आता है तो आप डिटेल जरूर लिखने का प्रयास किया करो, लेकिन अगर डिटेल्स नहीं भी आता है ना तो आप लोग एटलीस्ट इसका आंसर जरूर कर दिया करो, ओके। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। बहुत ही प्राउड मोमेंट वाला ये डे है दोस्तों। 11 मई को प्रत्येक भारतीय ये सेलिब्रेट करता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत में ये मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 11 मई को ही 1998 में भारत ने दोस्तों पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया था। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था भारत का, इससे पहले 1974 में कर चुका था, लेकिन उतना ज़्यादा इफिशेंसी वाला उस टाइप का नहीं था। ये वाला जो था परमाणु परीक्षण, ये दुनिया भर के खास करके अमेरिका के नज़रों के नीचे, अमेरिका के सैंक्शन, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत ने परीक्षण किया। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ दोस्तों पोखरण परीक्षण, और इंडिया जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन गई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसी दिन की याद में मनाया जाता है। इस बार की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, ये जो मिशन हुआ था बहुत गुपचुप तरीके से हुआ था, ये जो परीक्षण हुआ था, यहाँ तक कि जितने भी भारत के साइंटिस्ट थे उन लोगों ने सेना की वर्दियाँ पहन रखी थी, क्योंकि 4-4 सैटेलाइट्स लगा दिए थे अमेरिका ने ये पता करने के लिए कि वहाँ पर परीक्षण तो नहीं चल रहा है।
तो इस वजह से सेना की वर्दियों में साइंटिस्ट जो हैं वो जा करके काम कर रहे थे वहाँ पर, जिससे लोगों को लगे कि भारतीय सेना के जवान हैं गश्त कर रहे हैं। इस पर एक मूवी भी आई हुई है, परमाणु, आप टाइम निकाल करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो फिलहाल ये मिशन शक्ति के तहत किया गया, इस मिशन का नाम मिशन शक्ति रखा गया था। इससे पहले जो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर 1974 में एक बार परीक्षण हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये मिशन का नाम पूछा जाता है, आप दोनों का नाम याद रखेंगे। फिलहाल मई महीने में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था, 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, अग्निशामक दिवस, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया है। देखिए, ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की बहुत पहले से चल रही थी, तो इसका दूसरा फेज शुरू किया गया है। अब थोड़ा सा अपग्रेडेड, जैसे होता नहीं है कि कोई मूवी हो कोई सीरीज हो उसका 2.0 आता है, वैसे इसका भी है। तो इस योजना के तहत दोस्तों, खास करके योजना के तहत जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वहाँ की बेटियाँ हैं उनको सशक्त बनाया जाए, उनकी शिक्षा पर फोकस किया जाए, साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जाए। तो इस वजह से मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना शुरू करी हुई है, और ये सबसे पहले 2007 में शुरू की गई थी, अभी इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश आया है, तो आप मध्य प्रदेश देख पाओगे मैप में, कहाँ पर है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के हैं गवर्नर। चीफ जस्टिस हैं रवि विजय कुमार मलिमाथ। भोजताल झील, साख्य सागर झील मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है, 11 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना पेंच, ठीक है, पन्ना पेंच, कान्हा केसली, ठीक है, संजय नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, असीरगढ़ दर्रा भी है, मटकी नृत्य, कर्ण नृत्य, तितली नृत्य मनाया जाता है, तानसेन नृत्य महोत्सव भी मनाया गया था, अभी विश्व संगीत आयोजित किया गया था, इसके अलावा ड्रोन महोत्सव भी आयोजित हुआ था, ठीक है, ड्रोन मेला भी आयोजित हुआ था, भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी खोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ग्वालियर में। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश ने अभी एक जिला एक उपज योजना शुरू कर रखी है, एक जिला एक शिल्प योजना भी मध्य प्रदेश की ही है, ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उपज योजना है मध्य प्रदेश की, जबकि एक जिला एक उत्पाद योजना है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश की है। चलिए अब फिलहाल आगे देखते हैं, हाल ही में यूं सुक योल किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो यूं सुक योल दोस्तों ये बन गए हैं दक्षिण कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं, और 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शपथ ग्रहण करते ही अपने पहली ही स्पीच में उत्तर कोरिया को दक्षिण का मेन इनमी बता दिया, मुख्य दुश्मन बता दिया। आप जैसे जानो कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में चलता है ना, ऐसे ही वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के बीच में चलता है, मतलब दुश्मनी बहुत तगड़ी चलती है। फिलहाल चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे चाइना के, और इस साइड आएंगे जापान साइड में। तो जापान साइड में आने के बाद ये जो आपको दो कंट्री दिख रही है ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दोनों कंट्रियाँ हैं, ठीक है ना, ये कोरिया गणराज्य के नाम से जाना जाता है, इसमें दो देश हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अच्छा, इनके बीच में ये एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन गई है, काल्पनिक रेखा है, जो कि 38 डिग्री पैरेलल के नाम से जानी जाती है, कौन से 38th पैरेलल के नाम से ये जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी लाइन कौन सी रेखा अलग करती है, तो आप बताएंगे 38th पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, देखो साउथ कोरिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, और जबकि नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ पर गरीबी भुखमरी अभी भी है, क्योंकि तानाशाही है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अभी चेंज हुए हैं, ओके, यहाँ की करेंसी होती है कोरियन पीपल वोन। अगला देखते हैं, अगला है,
हाल ही में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है रिलायंस। यहाँ पर देखिए कंटेंट राइटर ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। ये तीनों कंपनियाँ ऊपर की जो हैं ये अमेरिकी कंपनी हैं और क्वेश्चन में भारतीय कंपनी पूछा गया है। चलो यहाँ पर भारतीय कंपनियों के नाम होना चाहिए था। फिलहाल रिलायंस जो है ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है 100 बिलियन यूएस डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की चेयरमैन मुकेश अंबानी की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिलायंस एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसने दोस्तों अभी हाल ही में चौथी तिमाही के बाद ये रिवील किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टोटल जो प्रॉफिट है वो 22.5% बढ़ गया है चौथी तिमाही में, ठीक है। और इसने वार्षिक राजस्व के बारे में बात करें तो 100 बिलियन यूएस डॉलर का, 100 अरब यूएस डॉलर का, यानी कि आप समझ लो 100 गुणे कर दो 77 के आसपास में, ठीक है, यानी 7,700 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व ये हासिल करने वाली, एक वर्ष में वार्षिक राजस्व ये हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। चेयरमैन है इसके मुकेश अंबानी। अगला देखते हैं, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 1973 में स्थापित हुई थी, धीरू भाई अंबानी ने स्थापित करी हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, भारत में पहला आईपीओ धीरू भाई अंबानी ने ही लॉन्च किया था रिलायंस के लिए ही, ओके, ये भी आप जानेंगे। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अभी LIC का भी आया हुआ था। अगला, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है और अभी 4 भारतीयों को इस बार पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। एक तो हैं अदनान आबिदी, दूसरे हैं सना इरशाद मट्टू, तीसरे हैं अमित दवे और चौथे हैं दानिश सिद्दीकी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप इमेजिन देख पाएंगे ये 4 भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पुलित्जर पुरस्कार। बेसिकली ये पत्रकारिता के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और US में दिया जाता है, ये अमेरिका में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स भी देख पाएंगे, पूरा डिटेल्स अच्छे से लिखी हुई है। 1917 में ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी, अमेरिकी एक प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर, इन्होंने इसकी शुरुआत करी हुई थी। देखिए ये समाचार पत्रकों की पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य, संगीत, रचना, इन सब में भी दिया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इसको मिलती है ये पत्रकारिता के लिए मिलती है। इसी वजह से कहा जाता है कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार होता है, ठीक है। तो इस बार 4 भारतीय पत्रकारों को दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला हुआ है। ये चारों में अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, ये तीन तो जीवित हैं और एक राइटर्स के दानिश सिद्दीकी थे, ये भी मिले, इनको भी मिला हुआ है। एक्चुअली में इनकी डेथ हो गई थी अभी अफगानिस्तान में, तालिबानियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी उस टाइम को कवर करते हुए, ठीक है ना। तो दानिश सिद्दीकी तो अब नहीं रहे हैं लेकिन इनको मरणोपरांत दिया गया है। वहीं पर वाशिंगटन पोस्ट को दोस्तों सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार मिला है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग दोनों में ही 2 कैटेगरीज में पुलित्जर पुरस्कार जीता हुआ है। क्लियर? तो ये 4 नाम तो आप एटलीस्ट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। अगला, हाल ही में हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी बन गए हैं दोस्तों जान ली का च्यू। देखिए मुख्य कार्यकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हुआ, समझ लो कि वहाँ का प्रेसिडेंट समझ लो, राष्ट्राध्यक्ष समझ लो। हांगकांग की बात कुछ और ही है। वहाँ पर जान ली का च्यू बन तो गए हैं दोस्तों मुख्य राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन समझ लो कि हांगकांग जो है ना बिल्कुल कठपुतली की तरह चलता है, ये चाइना जो चाहता है वैसे ही ऑपरेट करता है। यहाँ पर हालांकि बहुत दिनों से लोकतंत्र की मांग चल रही है कि लोकतंत्र लाया जाए, लोकतंत्र के जो समर्थक हैं वो लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। 2014 में अम्ब्रेला क्रांति हुई थी, 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, उस टाइम पर भी ये सभी टाइम पर डिमांड हो रही थी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएँ और ऐसा कोई आए जो लोकतंत्र की फिक्र करे। लेकिन वहाँ पर बीजिंग जो है, बीजिंग बोले तो आप समझ लो कि चाइना की जो सरकार है वो ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो सके, वो ये चाहती है कि यहाँ पर जो भी हम बनाए राष्ट्राध्यक्ष वो चाइना का कठपुतली हो, जो बीजिंग चाहे, जो चाइना चाहे वही वो करे। फिलहाल यहाँ पर कैरी लैम की जगह पर अब जॉन ली का च्यू बन गए हैं अगले मुख्य कार्यकारी और ये बनने वाले पहले सुरक्षा अधिकारी होंगे, क्योंकि ये पहले सुरक्षा अधिकारी रह चुके हैं
ये इससे पहले अपनी लाइफ में। यहाँ की करेंसी होती है हांगकांग डॉलर। वर्ल्ड मैप में अगर आप हांगकांग को देखना चाहोगे तो आपको दिखाते हैं, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आ जाओगे चाइना के पास, आप ताइवान से तो भलीभांत परिचित होगे, इधर है। यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा, यहाँ पर एक देश है, देश क्या समझ लो कि ये चाइना के ही आधिपत्य वाला एक समझ लो छोटा सा द्वीप देश है। तो ये जो है द्वीपों का समूह, ये है हांगकांग, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिमांड होती आई है कि इसको अलग देश घोषित किया जाए, लेकिन चाइना ये कभी नहीं चाहेगा। चाइना हमेशा चाहता है कि यहाँ पर वही सरकार आए, वही आए जिसको चाइना चाहे, और चाइना का ही यहाँ पूरा आधिपत्य हो। ऐसे ही आगे चल करके चाइना ताइवान के साथ भी करना चाहता है। चाइना ये भी चाहता है, हमेशा से कहता आया है कि ताइवान भी चाइना का हिस्सा रहा है, ठीक है। जबकि ताइवान में जो है तो वहाँ पर अलग सरकार चलती है, अलग देश है बिल्कुल, ठीक है, चाइना के खिलाफ जो कि रहती है, और अमेरिका का भी सपोर्ट है उधर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज पदक से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों असम राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज पदक, या कहें कि प्रेसिडेंशियल फ्लैग मेडल से सम्मानित किया गया है। असम राज्य की पुलिस को अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने सम्मानित किया हुआ है। अमित शाह जी ने असम राज्य की पुलिस को उनके 25 सालों के अभी तक के पिछले 25 सालों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया है। राष्ट्रपति ध्वज जो पुरस्कार होता है, प्रेसिडेंशियल फ्लैग जो होता है, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का फ्लैग होता है जो किसी भी सेना के सैन्य की जो टुकड़ी होती है उसको, या फिर किसी भी राज्य की पुलिस यूनिट को युद्ध या शांति काल में देश के प्रति असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो इस बार असम राज्य को दिया गया। असम राज्य की पुलिस बन गई है ये अवार्ड पाने वाली 10वीं स्टेट पुलिस, यानी 10वीं राज्य की पुलिस बन चुकी है ये। असम आया है, असम आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है असम। असम अपना पूर्वोत्तर राज्यों में सभी राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं। और सुधांशु धूलिया दोस्तों ये यहाँ पर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि ये प्रमोट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है ना। कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये। अभी मैंने आपको दो दिन पहले वीडियो में बताया था, तो अब ये यहाँ पर चीफ जस्टिस नहीं है, इनका प्रमोशन हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर। 7 नेशनल पार्क हैं असम में। 7ों का नाम आपको याद रखना है, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा और देहिंग पटकाई। जिसमें से काजीरंगा आप इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, और अभी सैटेलाइट फोन यूज करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। औरंग नेशनल पार्क इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर से राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया गया है, पहले राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था इसका नाम। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है जर्मनी में। अभी हाल ही में जर्मनी में ये आयोजन इसका शुरू हुआ है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, घबराओ मत, इतना नाम इतना लंबा सुन करके, ये वही है ISSF, ठीक है ना। तो ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप जो है ये जर्मनी में स्टार्ट हो चुका है। भारतीय भी इसमें गए हैं पार्टिसिपेट करने। इंडियन टीम्स में 51 निशानेबाजों को भेजा गया है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए गए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो सिलेक्शन कमेटी है जो शॉर्टलिस्ट करती है खिलाड़ियों को कि कौन 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 जाएगा वहाँ पर, ये है NRAI यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसने इंडिया से 51 खिलाड़ी भेजे हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि शूटिंग में भारत का बहुत ही बेस्ट प्रदर्शन रहा है, भले ही ओलंपिक में जल्दी मेडल नहीं आता है, लेकिन शूटिंग में दोस्तों भारत बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। भारत और कोरिया दो, जब दो देशों की टीम आती है जबरदस्त प्रदर्शन करती है, सारे मेडल ले जाती है। अभी भी देखना, यहाँ पर भी गए हैं, इंडिया ही सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आएगा। 9 मई 2022 से ये शुरू हो चुका है, जर्मनी के सुहल में आयोजित हो रहा है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ओके। अगला, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नई सचिव बन गए हैं अल्केश कुमार शर्मा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये न्यू सेक्रेटरी होंगे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री का, ठीक है, IT का, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। तो इससे पहले ये कैबिनेट सचिवालय में एडिशनल सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में और सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। मई 2020 से अप्रैल 2021 तक उद्योगों के लिए केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम किए। इससे पहले ये कोच्चि मेट्रो रेल में MD के और कोचीन स्मार्ट सिटी मिशन के CEO के रूप में काम कर चुके हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लिया जाएगा
इनको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव बना करके। अगला, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन 2022 इसको जीत लिया है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके ये अवार्ड जीता हुआ है। कार्लोस अल्कराज है स्पेन के, तो ये मैड्रिड ओपन खिताब के पुरुष एकल का खिताब जीती हैं, मेन सिंगल का खिताब जीत लिए हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं, इनको हरा करके। मियामी 2022 ओपन भी इन्होंने ही जीता था। इनके बाद ये इस सीजन में अभी दूसरा मास्टर्स 1000 का क्राउन है और इस साल का चौथा खिताब है टोटल ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, ये तो हुए पुरुष कैटेगरी में। महिलाओं में अगर बात किया जाए विमेन सिंगल में, तो ओंस जॉबेउर जो है ट्यूनेशिया की, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है और विमेंस टेनिस एसोसिएशन 1000 का इवेंट जीतने वाली ये पहली अफ्रीकी खिलाड़ी बन गई हैं, WTA 1000 जीतने वाली, ठीक है ना। ये 1000 आप अलग मत समझिएगा, इसी का नाम होता है, ठीक है। तो WTA 1000 इवेंट जीतने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी बन गई ओंस जॉबेउर, क्लियर। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किए हो लाइक करना भूल गए हो तो लाइक करो वीडियो को फटाफट से और शेयर करो अपने दोस्तों के पास। जाते जाते ये दो क्वेश्चंस का आंसर करते जाना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पारंपरिक शुभंकर क्या है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, NTPC CBT 2। इसमें दोस्तों जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसमें जो जो भी क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए थे, इस पर मैंने कल वीडियो दी हुई थी और उसमें बताया भी था कि अब आपको कैसे ये समझना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी रेलवे वालों की मंशा क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो ये एक आइडिया लग जाए आपको। इस वजह से आप जाइए कल की वीडियो को जरूर देखिए जो अपलोड हुई थी, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको सही दिशा में प्रयास करना है, ठीक है ना। प्रयास तो करना है लेकिन सही दिशा में प्रयास करना है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके अलावा अगर आप RRB NTPC CBT 2 का कोर्स लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो MZT ऐप पर जा करके। MZT ऐप सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद वीडियो कोर्स सेक्शन में जा करके आपको इनमें से कोई सा भी बैच परचेज कर लेना है जो चाहिए। अगर NTPC चाहिए NTPC ले लो, अगर लेखपाल बैच चाहिए तो लेखपाल ले लो, अगर इंडिविजुअल में ग्रामीण परिवेश या हिंदी ये सब चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।